इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1.20 सेज अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेगेटिव 1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम टू पास थ्रू अ गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज. एक गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा है जिसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव 1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है. इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. अगर गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना पास होगा, पहले वाले पार्ट में ये पूछा जा रहा है. गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है इस पे फ्लक्स डिपेंड करता है, ना कि गॉसियन सरफेस कितना छोटा बड़ा किस शेप और साइज का है. तो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना रखा है. तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर यह है कि नेट फ्लक्स अभी भी उतना ही रहेगा. वैसे भी गॉस लॉ से अगर तुम फार्मूले को देखोगे तो फाइ इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड. ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज रखा है वो, और एप्साइलन नॉट. यहां पे कहीं पे शेप साइज रेडियस वगैरह कुछ है ही नहीं. इसका मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जो रखा है तो वो गॉसियन सरफेस कितना छोटा बड़ा या किस शेप साइज का है. करेक्ट. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो अभी भी इसी मैग्नीट्यूड का होगा. रेडियस गॉसियन सरफेस के डबल करने पे कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. ठीक. तो फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया. दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जो इतना फ्लक्स दे रहा है, तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे और आंसर हम निकाल सकते हैं. तो Q inside हम निकाल लेते हैं. Q inside यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यही पूछा भी जा रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा. देखो इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव 1.0×10³. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है लगभग 8.85×10⁻¹². मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 12, तो ये हो जाएगा -9. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा 8.85. लेकिन ध्यान में रहे ये नेगेटिव, यानी जो चार्ज रखा हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर वो नेगेटिव नेचर का और उसका मैग्नीट्यूड इतने कूलाम है. 10⁻¹⁹ को हम ऐसे भी बच्चे लिख सकते हैं, ये नैनो कूलाम होता है तो नैनो कूलाम को ऐसे लिख सकते हैं. ये आंसर लिख सकते हो या ये भी, यानी 8.85 नैनो कूलाम या 8.85×10⁻¹⁹ -9 कूलाम. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन.